सुरेरी रामपुर ब्लॉक के नूरपुर गांव में स्थित केवला देवी इंटर कॉलेज में महिला सेवा संस्थान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्था के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गौड़ ने वहां उपस्थित महिलाओं को जानकारी देते हुए कहा कि हमारी संस्था विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं व किन्नर समाज के बारे में बहुत कुछ करने जा रही है। 100% महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता सिंह को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया तथा इस दौरान महिला शक्ति के 6 प्रकार की योजनाओं के बारे में महिलाओं को जानकारी भी दिए, जिसमें विधवा पेंशन, शिक्षा, बिजली, पानी, यातायात सुविधा एवं निजी आवास उपलब्ध कराने की बात की गई। पानी यातायात सुविधा के बारे में भी उचित बातचीत कही गई। सोमवार को संचालित उन 6 योजनाओं में से एक योजना का भी शुभारंभ किया गया और बाकी योजनाएं जल्द से जल्द प्रारंभ करने की बात की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता केवला देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मुकेश दुबे और महिला शक्ति के जिला चेयरमैन नंदलाल जायसवाल ने किया। जिला अध्यक्ष सतीश चंद्र ने सभा को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक एवं विधवा माताओं और उपस्थित समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। विशिष्ट अतिथि व विद्यालय के प्रबंधक मुकेश दुबे द्वारा विधवा महिलाओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत बच्चों का नामांकन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला चेयरमैन नंदलाल जायसवाल ने किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा, पूनम जायसवाल, महेश धुरिया, मेवालाल, प्रियंका सिंह, मीना कुमारी, सीमा देवी, ममता, रीना कंचन, कुसुम सोनी, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार, राम जानकी, अशोक, नीलम, सरिता, पुष्पा, रिंकी सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इंटरमीडिएट कॉलेज के ये जो वहां से लेटर आया है वो लेटर